Hello everyone, welcome to my dear friends on NPC, the channel where you can learn all the concepts of physics with the Ease Form. एंड यस uh, yes, बच्चा ऑलमोस्ट टेंथ का हमने सिलेबस कम्प्लीट कर दिया है बस कुछ ही वीडियोज़ आना बाकी है एंड ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट हो गई ओके सो स्टेट यून विद द एन पी सी एंड यर्स टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर चैप्टर लाइट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी द साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न साइन कन्वेंशन Okay, as we have learned in our previous video, sign convention for the mirror. Similarly, sign convention for the lenses, hai. and uh, yes, one point is different from the mirror, and that point which I will explain in this video. Okay, so as you can see in this diagram, there is a Line, or we can say this is the x axis according to the rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system. आपने स्टडी किया होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से होता है हियर एक्स एक्सिस एंड हियर एक्स नेगेटिव एक्सिस ओके एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई नेगेटिव एक्सिस तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग दिस लाइन इज द एक्स एक्सिस ओके इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस ओके ये जो है दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस नाउ ओ इज द ओरिजिन और वी कैन से द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ओके ओ को क्या बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर या फिर इस कॉर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाइग्राम नाउ वी विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस साइन कन्वेंशन द फर्स्ट पॉइंट इज द ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर जैसा हमने मिरर में स्टडी किया था मिरर में हमने यहाँ पर पोल कंसिडर किया था ओके okay, सेंटर पर हमने पोल कंसिडर किया था यहाँ ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे ऐसे ही तो सारी डिस्टेंसेज जो हैं वो आपके कहाँ से मेजर की जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से ओके द सेकेंड वन इज द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट डे आर टेकन एज पॉजिटिव मीन्स इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी जितनी भी डिस्टेंसेस हैं आपको वो पॉजिटिव कंसिडर करनी है एंड अगेंस्ट द इंसीडेंट रे इट विल बी कंसिडर टू बी नेगेटिव ओके ये जो एरो आपको इंडिकेट कर रहा है दिस इज द अगेंस्ट डायरेक्शन ओके एंड दिस इज नेगेटिव ये नेगेटिव कंसिडर करेंगे हम एंड इन द डायरेक्शन इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस हैं वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे ओके द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो आपको पॉजिटिव कंसिडर करनी है एंड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस हैं वो आपको नेगेटिव कंसिडर करनी है ओके दिज आर दिमिलर पॉइंट्स फ्राम द मिरर ओके ये सब सारे पॉइंट्स मिरर के सिमिलर थे मिरर के जो साइन कन्वेंशन हमने स्टडी किया था उन पॉइंट्स के सिमिलर थे बट नाउ वी विल एक्सप्लेन समिफरेंट पॉइंट ओके एक डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर वो हम एक्सप्लेन करेंगे एंड दैट इज़ द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस दोनों का जो फोकल लेंथ है वो डिफरेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर होगी पॉजिटिव लेंगे आप एंड कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव लेंगे कॉन्वेक्स लेंस में आप कैसे ये चीज लर्न कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है तो सिंपली आप एक चीज़ दिमाग में रखें कि कॉन्वेक्स लेंस में लास्ट में एक्स आता है इस एक्स को थोड़ा सा बैंड कर दें तो प्लस बन जाता है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है ओके एंड रिमेनिंग कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव रहेगी ओके सो दिस इज योर साइन कन्वेंशन नाउ आई विल एक्सप्लेन लेंस फार्मूला एज वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मिरर फार्मूला सिमिलरली लेंस फार्मूला है यहाँ पर लेंस फार्मूले में और मिरर फार्मूले में सिर्फ ये डिफरेंस है साइन का ओके वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल्स टू वन बाय एफ ओके यहाँ मिरर फॉर्मूले में प्लस साइन रहता था बट लेंस में आप नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे एंड यर वी इज द इमेज डिस्टेंस यू इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ सो दिस इज योर लेंस फॉर्मूला यहाँ पर आपको लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला इन सभी के सिर्फ फार्मूलाज ही लर्न करना है क्लास टेंथ में आपको ओनली फार्मूलाज लर्न करने हैं बट हायर क्लास में आप क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे तो आपको उसका पूरा डेरिवेशन आएगा ओके okay, तो हम ये क्लास ट्वेल्थ में पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे नाउ आपको सिर्फ ये ही लर्न करना है फॉर्मूला ओके लेंस फार्मूला होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वस टू वन बाई एफ एंड मिरर फार्मूला होता है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्व टू वन बाय एफ ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन भी हमने मिरर के केस में स्टडी किया है सो इट इज द वेरी सिमिलर टू द मिरर ओके सो इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर एम एंड एम इज़ द हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द योर Magnification and uh, if you consider height of image as h dash and height of object is h, then we have the formula of magnification m is equals to h dash by h. Okay, and also this formula can be written in the form of object distance as well as image distance. Okay, so your equation will be this m is equals to h dash by h is equals to v by u. ओके मिरर फॉर्मूले में हमने यहां साइन माइनस यूज किया था बट इन केस ऑफ लेंस इट इज पॉजिटिव ओके सो दिस इज द मैग्निफिकेशन नाउ आई विल एक्सप्लेन द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर लाइट पावर ऑफ लेंस इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस देन दिस इज द डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द इट्स पावर ओके आई uh, होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा सिंपली पावर ऑफ लेंस की अगर आप बात करेंगे तो आपको माइंड uh, में टू थिंग्स क्लियर होना चाहिए कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है रेस को इंसिडेंस रेस को कन्वर्ज करना ओके okay, मींस एक पॉइंट पर मीट करना ओके okay, सारी रेस एक पॉइंट पर मीट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है रेस को डाइवर्ज करना ओके okay, स्प्रेड करना तो यहाँ ये जो डाइवर्ज करना एंड कन्वर्ज करना इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैंडिंग ऑफ लाइट और वी कैन से बेंडिंग ऑफ द इंसिडेंस रे एंड इंसिडेंस रेस को जितना ज़्यादा बेंड करेगा लेंस उतनी ही लेंस की पावर होगी ओके okay. हम कहेंगे कि अगर आपके पास एक लेंस है और वो लाइट रेस को या फिर इंसिडेंस रेस को ज़्यादा बेंड करता है तो आप उसे कह सकते हैं कि इसकी पावर ज़्यादा है ओके okay. so the power of lens is the ability of lens to bend the light falling it okay and it is denoted by the letter p capital p se so denote kiya jata hai and it is also equals to the reciprocal of the focal length okay focal length ka reciprocal hota hai power of lens so p is equals to 1 by f here f is the focal length now the si unit of power of lens सो वी कैन यूज द डाइप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई लेटर कैपिटल डी कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है पावर ऑफ लेंस की यूनिट को ओके एंड वन डायप्टर इज इक्वल टू होता है वन मीटर इनवर्स यहाँ पर फोकल लेंथ के लिए आप मीटर यूज करेंगे सो इनवर्स हो जाएगा एंड दीज आर द टू मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पावर ऑफ कॉन्केव लेंस एज वेल एज कॉन्वैक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव तो यहाँ पर सिमिलरली आपने जो साइन कन्वेंशन में स्टडी किया है बस वही आपको यहाँ पर याद रखना है ओके पावर ऑफ कॉन्वैक्स लेंस के लिए आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है एंड कॉन्केव के लिए नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर एक्स है इसलिए पॉजिटिव सो आई होप

कब होगा किस केस में होगा जब उस लेंस की फोकल लेंथ वन मीटर होगी ओके okay? आपको पता है P इज इक्वस टू वन बाई एफ होता है पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ अगर आप फोकल लेंथ को वन मीटर कंसिडर करेंगे देन आपके पास जो पावर ऑफ लेंस होगी वो वन डायप्टर होगी इजीली सिंपल है ओके इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ

पॉजिटिव ओके फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक नीडल है और उसकी इमेज उसकी इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर आपके लेंस से 50 सेंटीमीटर उस इमेज का डिस्टेंस है ओके okay? आपको ये जो क्वेश्चन है ये इस डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा कि जैसे ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ आपका क्या इमेज क्या है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर होती है सॉरी बिहाइंड द लेंस होती है तो यहाँ पर आपका इमेज है और इमेज डिस्टेंस जो है वी इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है गिवन है फिफ्टी सेंटीमीटर ओके अब नेक्स्ट हाफ में आपसे पूछा है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वैक्स लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में आप उस नीडल को कहाँ रखेंगे ओके इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स आपका जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल हो जाए तो ऑब्वियसली कभी भी मिरर के केस में भी देख लें या लेंस के भी केस में देख लें ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इक्वल होगी इमेज की हाइट के सिर्फ एक ही केस में जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ओके okay. और यहाँ पर लेंस के केस में आप टू एफ़ पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपका इमेज भी टू एफ पॉइंट पर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा एंड इक्वल होगा ओके okay? उसकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी तो आपका जो यू है मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज़ फिफ्टी सेंटीमीटर बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इस साइड फ्रंट ऑफ द लेंस है दो सो वी कैन टेक एस नेगेटिव क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन है ओके इंसिडेंट रे के अगेंस्ट द डायरेक्शन है तो आपको नेगेटिव कंसीडर करना है तो आपका यू हुआ माइनस फिफ्टी सेंटीमीटर तो आपका ये एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आप जो यू है मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका माइनस फिफ्टी सेंटीमीटर होगा नाउ आपको फाइंड करना है पावर ऑफ लेंस तो पावर ऑफ लेंस का आपने जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला अभी लर्न किया है कि p इज इक्वल टू होता है वन बाई एफ मीन्स फोकल लेंथ का अगर आप रेसी प्रोकल कर दें तो आपके पास पावर ऑफ लेंस आ जाएगा बट यहाँ f की वैल्यू कैसे हम लेकर आए तो ये भी सिंपली आपको पता है कि आपका जो टू एफ है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो डबल होता है फोकल लेंथ के तो फोकल लेंथ क्या होगी इसका हाफ मीन्स एफ या एस इस तरह से एफ डिनोट करें एफ इज इक्वल टू क्या होगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सिंपली और इससे आप लेंथ फॉर्मूला यूज करके भी एफ को फाइंड कर सकते हैं ओके सो एफ विल बी द ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन पी इज इक्वल टू वन बाई एफ सो वन बाई एफ एस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं सो जीरो पॉइंट टू फाइव होता है मीटर में ओके okay. तो यहाँ पर आपका पावर ऑफ लेंस हो जाएगा डाएक्टर में सो so, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट रिमूव करेंगे सो टू जीरो एंड ट्वेंटी फोर फोर ज हंड्रेड सो फोर डाय डायप्टर सो फोर डायप्टर इज़ योर आंसर एंड दैट इज़ पॉजिटिव पॉजिटिव है इसका मतलब आपका जो लेंस है दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस ओके आई होप ये पॉइंट क्लियर है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ टू मीटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं सो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज माइनस टू मीटर ओके नाउ पावर ऑफ लेंस सो पी इज इक्वल टू वन बाई एफ एंड एफ एज माइनस टू सो योर आंसर विल बी माइनस जीरो पॉइंट फाइव डायप्टर ओके यूनिट लगाना नहीं भूलना है अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे हाफ मार्क्स आपका सीधे कट हो जाएगा अगर आपने यूनिट नहीं लगाई ओके सो दिस इज योर आंसर माइनस जीरो पॉइंट फाइव डाएप्टर माइनस साइन शोज द कॉन्केव लेंस ओके सो दिस इज डन फॉर टू क्लास इन अवर अपकमिंग क्लास There are so many numericals. So stay tuned with the NPC. Till then, keep watching and keep learning. Thank you so much.